नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी एंड नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा 7वां लेक्चर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोटिवेशन थ्योरी के अंदर अब्राहम मास्लो को। मोटिवेशन थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डगलस मैकग्रेगर के बारे में, डगलस मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि हु इज द फादर ऑफ मोटिवेशन थ्योरी। तो दोस्तों, आधुनिक युग में मोटिवेशन शब्द का प्रयोग मैस्लो ने 1938 में किया था, यानी कॉइन किसने किया था ये शब्द? अब्राहम मास्लो। लेकिन फादर ऑफ मोटिवेशन थ्योरी है डगलस मैकग्रेगर। तो इनको आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। शब्द को कॉइन किया था अब्राहम मास्लो ने 1938 के अंदर, और फादर ऑफ मोटिवेशन थ्योरी है डगलस मैकग्रेगर। दोस्तों, डगलस मैकग्रेगर का जन्म 1906 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी, और ये MIT मैसाच्यूट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे, और उन्हें विख्यात साइकोलॉजिस्ट का भी ख्याति प्राप्त है। और दोस्तों, आपको पता होगा मोटिवेशन थ्योरी के सिद्धांतों के अंदर तीन विद्वान मुख्य रूप से जाने जाते हैं। सबसे पहले अब्राहम मास्लो, जिनकी नीड हायरार्की को हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है डगलस मैकग्रेगर, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, और इन्होंने एक्स एंड वाई सिद्धांत दिया है। और थर्ड इसमें महत्वपूर्ण चिंतक है हर्ज़बर्ग। हर्ज़बर्ग ने दी है हाइजीन थ्योरी। ठीक है, हाइजीन थ्योरी को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डगलस मैकग्रेगर को। तो दोस्तों, डगलस मैकग्रेगर की महत्वपूर्ण पुस्तक है द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस, और इसी में इन्होंने मोटिवेशन के सिद्धांतों की विस्तारपूर्वक व्याख्या की है। दोस्तों, मैकग्रेगर की अंतिम पुस्तक व्यावसायिक प्रबंध थी। ठीक है, और 1960 में इनकी पुस्तक प्रकाशित होती है, जिसका नाम है उद्यम का मानवीय पक्ष। ठीक है, ये 1960 में प्रकाशित होती है, और यह मनोविज्ञान पर सबसे मौलिक पुस्तक है। ठीक है, सबसे फंडामेंटल पुस्तक है। यह वैज्ञानिक प्रबंध को कुचलती है, मतलब वैज्ञानिक प्रबंध का इसमें बुरी तरीके से खंडन किया गया है, और यह प्रश्न खोजती है कि सफल प्रबंधक पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की कि प्रबंधक क्या जन्मजात होते हैं, या फिर उन्हें ट्रेनिंग के द्वारा अच्छा प्रबंधक बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसी किताब में उन्होंने एक्स एंड वाई सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। तो देखते हैं क्या है एक्स एंड वाई सिद्धांत। दोस्तों, ये दोनों थ्योरी, एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सबसे पहले ग्रेगर ने एक्स थ्योरी दी थी, और जब उन्हें ये महसूस हुआ कि एक्स थ्योरी में थोड़ी कमियां हैं, तो उसके बाद उन्होंने वाई थ्योरी दी थी। तो सबसे पहले समझते हैं एक्स थ्योरी को। दोस्तों, एक्स थ्योरी परंपरागत विचार पर आधारित है। परंपरागत विचार क्या था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? परंपरागत विचार बोलता था कि अधिकतर मनुष्य क्या कामचोर होते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, काम करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अतः अगर उन व्यक्तियों से काम लेना है, ठीक है, व्यक्तियों से काम लेना है, तो उन्हें डराना धमकाना पड़ेगा। ओके, और जैसे आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा, वर्कर से काम लेने के लिए उनकी पीठों पे कोड़े मारे जाते थे, बहुत सारे सुपरवाइजर रखे जाते थे उनके ऊपर, देखने के लिए कि मजदूर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसी तरह एक्स थ्योरी भी यही मानती है कि मजदूर काम नहीं करना चाहते, इसलिए बहुत सारे सुपरवाइजर उनके ऊपर बिठाए जाए और उनको डराया धमकाया जाए। उसके बाद एक्स थ्योरी के अंदर ही इन्होंने क्या किया, पुरस्कार विचारधारा। एक्स थ्योरी के अंदर अगर हम ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार मजदूरों को देंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने दंड और पुरस्कार दोनों विचारधाराओं को मिक्स कर लिया। अतः जो व्यक्ति अच्छा उत्पादन करेगा, अच्छा काम करेगा, उसे पुरस्कार दिया जाएगा, और जो व्यक्ति
खराब काम करेगा, कम प्रोडक्शन देगा, उसे दंड दिया जाएगा। तो ये क्या है, परंपरागत सिद्धांत पे आधारित है। और इसकी बेसिक अजम्पशन है, वो आप लोग नोट कर ले। सबसे पहला है कि श्रमिक सामान्यता सुस्त होते हैं, ठीक है, वह कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। सेकंड अजम्पशन है कि अधिकांश में उत्तरदायित्व लेने की भावना नहीं होती है, वो कभी भी उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते हैं। अगली अजम्पशन है कि औसत व्यक्ति निर्देशित होना पसंद करते हैं, ठीक है, अधिकतर व्यक्ति क्या है, अपना सुपरविजन कराना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमें गाइड करे कि हमें क्या करना है, हमारे ऊपर कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अगली अजम्पशन इनकी है, अधिकांश व्यक्ति वित्तीय प्रलोभन से ही कार्य करते हैं, कि अधिकांश व्यक्ति क्यों काम करते हैं, पैसों के लिए। जितना अगर उन्हें ज्यादा पैसा दिया जाएगा तो प्रोडक्शन भी ज्यादा ही करेंगे। और लास्ट और मेन अजम्पशन इनकी है कि श्रमिक कामचोर होते हैं, इसलिए डर द्वारा उनसे अधिक से अधिक काम लिया जा सकता है। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा अधिकांश जो क्लासिकल थ्योरिस्ट थ्योरिस्ट थे वो इसी विचारधारा पे आधारित थे। वो FW टेलर हो, फेयोल हो, चाहे जो मर्जी हो। अब टेलर क्या बोलते थे, इकोनॉमिक मैन की बात करते थे वो, कि अगर वित्तीय प्रलोभन उन्हें दिया जाएगा, उन्हें मतलब इकोनॉमिक एड ज़्यादा दी जाएगी, उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा, तो वो क्या ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे। तो जितने भी आपके क्लासिकल या परंपरावादी सिद्धांत हैं, इसी मान्यता को मानते थे। लेकिन एक्स सिद्धांत को प्रतिपादित करने के कुछ ही समय बाद मैग्रेगर को ये आभास हो जाता है कि उन्होंने मानवीय व्यवहार और प्रबंध को सही तरीके से नहीं समझा है। उन्होंने सिर्फ एक ही पक्ष समझा है मानवीय व्यवहार का, और दूसरा पक्ष भी उन्हें समझना पड़ेगा क्योंकि ये आज के टाइम में अनुकूल नहीं है। डराना धमकाना मजदूरों को आज के टाइम में अनुकूल नहीं है। आप खुद भी प्रैक्टिकली इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। अगर आप किसी मजदूर को ज़्यादा डराएंगे धमकाएंगे तो वो रिवोल्ट कर सकता है, वो मैनेजर को मार सकता है, ठीक है, या सुपरवाइजर जो उसका सुपरविजन कर रहा है उसके ऊपर अटैक कर सकता है, या विद्रोह कर देगी पूरी कंपनी और स्ट्राइक पे चली जाएगी। इसलिए उन्होंने वाई थ्योरी को इवॉल्व किया। अब वाई थ्योरी क्या है, वाई थ्योरी सीधी मतलब एक हिसाब से संशोधन है एक्स थ्योरी के अंदर। दोस्तों, वाई थ्योरी मुख्यतः मानवीय मूल्यों तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है, और इन्होंने क्या कहा है कि कार्य में भौतिक और मानसिक प्रयत्नों पर भी व्यय उतना ही जरूरी है जितना कि खेलना और आराम करना। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उसमें इकोनॉमिक एड के साथ साथ मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सेकंड इनकी अजम्पशन है वाई थ्योरी के अंदर कि कार्य की प्राप्ति में जो भी आप आउटपुट चाहते हैं उसमें आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्दिष्टता और सामूहिक प्रयोग करना बहुत जरूरी है, समूह में काम करना बहुत जरूरी है। थर्ड इनकी अजम्पशन है कि मनुष्य उपयुक्त परिस्थिति में जिम्मेदारियां लेते हैं। अब एक्स थ्योरी क्या बोल रही थी कि मनुष्य कभी भी उत्तरदायित्व मतलब मजदूर कभी भी उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर परिस्थितियां उपयुक्त और अनुकूल हो तो वो जिम्मेदारियां ले सकते हैं। अगली इनकी अजम्पशन है, यह लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। अब लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में होता है सहभागिता, सभी लोगों की पार्टिसिपेशन होती है, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें भी, और जितने भी संगठन के अंदर काम होते हैं सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगली इनकी अजम्पशन है, व्यक्ति कार्य निष्पादन में केवल वित्तीय प्रलोभन नहीं देखते हैं, कि उन्हें सिर्फ इकोनॉमिक एड की जरूरत नहीं होती है, उन्हें क्या है, उन्हें मोटिवेशन की भी जरूरत होती है, आत्मसंतुष्टि की भी जरूरत होती है, और उन्हें मतलब एक टाइप से जिसको हम बोल सकते हैं रिस्पेक्ट की भी जरूरत होती है। अगर उन्हें रिस्पेक्ट दी जाएगी तभी वो संगठन को ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देंगे। दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक एक्स एंड वाई सिद्धांत अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, इन्होंने वाई सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की, और जिस संस्थान में इन्होंने इस वाई सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करना चाहा वो
वो इनका अपना ही संस्थान है जहाँ पे ये प्रोफेसर थे। मैंने सबसे पहले आपको बताया ये MIT में प्रोफेसर थे, वहाँ पे इन्होंने इस योजना को लागू करने की कोशिश की और इस योजना का नाम था स्कैनलॉन योजना। दोस्तों ये आपके नेट पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट कूट को मैच करने के लिए आ जाते हैं कि स्कैनलॉन योजना किसकी थी। तो इन्होंने स्कैनलॉन योजना में क्या है, वाय सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। आपको वाय सिद्धांत पता है कि मनुष्य सुस्त नहीं होते, वो भागीदारी लेना चाहते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने वाय सिद्धांत को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और इसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, वर्कर की पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों मोटिवेशन की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं हर्ज़बर्ग की हाइजीन थ्योरी के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।